बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। सोलर पैनल की प्राइस के हवाले से बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि इमरान भाई, ईद के फौरन बाद क्या होने वाला है? क्या सोलर पैनल की प्राइजेस मजीद क्रैश होंगी या सोलर पैनल की प्राइजेस हाइक करेंगी? सोलर पैनल की प्राइजेस के हवाले से आज मैं सोलर मार्केट लाहौर हार रोड में मौजूद हूँ। अजीज भाई मेरे साथ मौजूद है, सोलर पैनल की प्राइजेस के हवाले से डिस्कस करते हैं अजीज भाई से कि अभी क्या सिचुएशन है। चूंकि ईद गुजर गई है, सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से अजीज भाई से बात करते हैं कि सोलर पैनल की जो अभी की प्राइसेस हैं वो क्या हैं और इनके पास स्टॉक में कौन कौन से सोलर पैनल अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अजीज भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजीज भाई, सोलर पैनल की प्राइसेस के हवाले से गाइड करते हैं हमारे नाजरीन को। मार्केट में पहले ईद से पहले बहुत लोगों के जहन में था कि पता नहीं क्या हो जाना है, ईद के बाद क्या होने वाला है, सिचुएशन किस तरह की है, मार्केट क्रैश होगी या अब जाएगी। सो हमारे से डिटेल से बता दें कि सिचुएशन अभी मार्केट क्या है, सोलर पैनल की प्राइसेस क्या है। मार्केट में इस टाइम सोलर पैनल की प्राइसेस की बात की जाए या प्रॉपर डिटेल की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को पहले ईद से पहले कंसर्न रहता कि शायद ईद के बाद कुछ प्राइस हाइप कर दें या प्राइस में कोई ऐसी फ्लक्चुएशन आ जाए ज्यादा या फिर कोई ऐसा टैक्स का मामला के भी आवाज सुनने में आ रही थी। तो इस तरह की जो भी जितने भी सारे मामला थे या जितनी भी आवाजें थी, ये सारी आवाजें अभी तक तो कोई भी सोलर के रेट्स के ऊपर असरअंदाज नहीं हुई है। अगर आप सोलर के रेट्स की बात करेंगे, जो के रेट्स ईद से पहले थे वही रेट अभी ईद के बाद भी अभी भी कॉन्स्टेंट वही रेट है, यानी कि पुराने रेट्स ही इस टाइम चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कैनेडियन सोलर का पैनल 46 रुपये पर वाट था तो वो अभी भी 46 रुपये पर वाट ही है। जे का पैनल 44 रुपये पर वाट था तो वो अभी भी 44 रुपये पर वाट ही है। इस तरह कोई भी ए ग्रेड का एन टाइप का पैनल या पी टाइप का पैनल किसी की प्राइजेस ऊपर नहीं हुई, ठीक है अभी। मगर इस तरह की भी कोई आवाज नहीं कि इसमें मजीद अभी डिक्रीजेशन है। हो सकता है कि अपना 2-3 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब मार्केट प्रॉपर ओपन हो जाए, क्योंकि ईद के बाद आपको पता है कि डिफरेंट शहरों के बीच में जरा लोग अपने घरों पे गए होते हैं, ठीक है, या इन्वेस्टर्स रात भी अपने वेयर हाउसेज वगैरह जरा लेट खोलते हैं, लोग अपना काम पे जरा थोड़ा सा डिले आते हैं, तो इस वजह से भी कुछ अभी प्राइसेस में भी शायद इन फ्यूचर अपना काम हो जाए। सही। अच्छा अजीज भाई, स्टॉक में आपके पास अभी कौन कौन से पैनल अवेलेबल है वो हमारे नाजरिन को दिखाएं। बहुत से मेरे भाइयों के कमेंट्स ये भी होते हैं कि इमरान भाई, जो सोलर पैनल आप दिखाते हैं जो 575 वाट या 580 वाट की रेंज में आते हैं जो एन टाइप टॉपकॉन सीरीज के, उनके वोल्टेज अम्पेयर के हवाले से भी गाइड किया करें कि ये सोलर पैनल है, इसके वोल्टेज इतने हैं और अम्पेयर इतने हैं, तो हमारे नाजरीन को दिखाएं पैनल और स्टेप बाय स्टेप उनकी प्राइस ब्रैकेट के हवाले से भी डिटेल से गाइड करें। चलो आज जो पैनल हमारे पास स्टॉक के बीच में अवेलेबल है इमरान भाई, उसकी बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास कैनेडियन सोलर अवेलेबल है। कैनेडियन सोलर की बात की जाए तो ये अपने इसके एम्पेयर और वोल्ट की बात करते चलते हैं, जो लोग आपसे पूछते हैं। वोल्ट की बात की जाए तो ये इसके जो शॉर्ट सर्किट वोल्ट होते हैं वो तकरीबन 50.7 है। इसके अलावा उसकी एम्पेयर की बात की जाए तो ये इसके 13.7 एम्पेयर है। वोल्ट मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता चलू, यहाँ पे ये 570 वाट का पैनल है और 13.81 एम्पेयर है और 51.8 वोल्ट है, ठीक है। बहुत से भाई कहते हैं कि इमरान भाई आप दिखाते नहीं है कि पैनल कितने वाट का है और कितने वोल्ट एम्पेयर देता है। ये कैनेडियन का सोलर पैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 570 वाट का सोलर पैनल है, 13.81 एम्पेयर है और 51.8 वोल्ट है, ठीक है। अजीज भाई, ये 570 वाट में कैनेडियन सोलर पैनल की प्राइस के हवाले से भी डिटेल से गाइड कर दें। कैनेडियन सोलर की बात करें तो आज की इसकी करंट डेट की प्राइस इसकी 46 रुपीज पर वाट है। बाद लोग इसको अपना 46 से लेके 48 रुपीज पर वाट तक डिफरेंट शहर और डिफरेंट अपनी जगह दुकानों पे सेल आउट कर रहे हैं। बाद इसमें जो चीजें डिपेंड करती है, बाद औकात लोगों का मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न है भाई, वहां से पैनल की प्राइस आपको हमें 50 रुपए सस्ती मिले, 50 पैसे सस्ती मिल रही है या 50 पैसे 2 रुपए महंगी मिली है, तो उसकी क्या वजूहत है? बाज इस तरह होता है कि बाज लोगों की दुकानों के रेंट अखराजात, ये सारी चीजों के मामला, तो उनकी स्टॉक उठाने की कैपेसिटी, ये सारी चीजें असरअंदाज होती हैं सोलर की आपकी अवेलेबिलिटी या परचेजिंग के लिहाज से। अगर किसी का आप 50 पैसे या 1 रुपए के उस मार्जिन को ना देखा करें, आप ये देखा करें कि आपको जो बंदा सोलर प्रोवाइड कर रहा है क्या वो उसकी ए ग्रेड की ऑथेंटिकेशन आपको पूरी दे रहा है, आपको डॉक्यूमेंटेशन साथ दे रहा है, ए ग्रेड की जो अपनी निशानियां हैं इसको चेक करने की जो भी तरीकेकार हैं क्या उसके वो तमाम क्राइटेरिया पे पूरा है, तो फिर आप सोलर पैनल की परचेजिंग करें। 50 पैसे या 1 रुपया मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि चीज क्वालिटी और ए ग्रेड कितनी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि आपको पता है ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी कोई बंदा करता है तो हमेशा इस चीज का ख्याल करता है कि भाई मैं जो भी चीज लूँ वो अच्छी लूँ या पायदार लूँ, आप ये चीज अपने जेनों में रख के परचेजिंग किया करें। सही।
अच्छा 570 वाट का अजीज भाई जो सोलर पैनल है कैनेडियन का, 46 रुपए पर वाट के जी हिसाब जी से ये सोलर पैनल कितने में कॉस्ट करता है? कुछ लोग उनको समझ नहीं आती कि वाटेज क्या होते हैं, पर वाट क्या होता है, चले क्योंकि मैं देसी लोग भी होते हैं ना हमें देखने वाले है नो जिनको डाउट नहीं पता, तो प्राइस ब्रैकेट आप वो भी डिटेल शेयर कर दिया, कह रहे हैं कि ये पैनल 570 वाट का ये इतने आपको वाट, 26,500 रुपये का कोस्ट करेगा। एक कैनेडियन का पांच सौ हाँ जी सत्तर वाट का 26,000। 500 रुपये का, 26,500 रुपये का कोस्ट करेगा पैनल। ठीक है, ये ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड पैनल है, बायोफिशियल एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। सही। अच्छा कैनेडियन के अलावा आपके पास और स्टॉक में कौन सा ब्रांड पड़ा हुआ है? कैनेडियन के अलावा हमारे पास स्टॉक के बीच में जे पड़ा हुआ है, जे भी एन टाइप बायोफिशियल के अंदर आता है। ठीक है, उसकी प्राइस ब्रैकेट की बात करिए तो ये आपको कोस्ट करेगा आज के करंट रेट के बीच में 44.5 रुपीज पर वाट। ये भी एन टाइप टेक्नोलॉजी के अंदर ही है। इसके अलावा छोटे पैनल्स में ए ग्रेड बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड आती है कि प्यारे भाई हमने अपने घरों के बीच में या अपने जो ड्राइवर्स आएंगे या अपने जो फार्म हाउसेज आएंगे या अपने जो ऐसे हमारे दोस्त अहबाब है जिनके पास सिर्फ नीड एक पंखा या फिर एक लाइट चलाने की है डायरेक्ट वे के अंदर वो हम चला सके, तो उसके लिए हमें पैनल दिखाए। तो उसके लिए हमारे पास छोटे पैनल के बीच में ए ग्रेड कंपनी का श्योर कंपनी का पैनल अवेलेबल है जो कि आपको 17,000 रुपये का कोस्ट करेगा। इस पैनल की बात की जाए तो ये जितने भी मेरे पास पैनल है ये सारे गारंटी में आते हैं, ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेशन के साथ आते हैं। ए ग्रेड पैनल की बात की जाए जो कि हमारे पास अवेलेबल है ये सारे 10 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ और 25 साल वर्किंग वारंटी के साथ मार्केट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के साथ। सही। अच्छा अजीज भाई, जैसे कि आपने जे के सोलर पैनल की प्राइस ब्रैकेट के हवाले से गाइड किया कि 44.50 पैसे जी पर जी वाट के हिसाब से तकरीबन 25,800-900 की रेंज में वो पड़ेगा पैनल जी जी जे का 580 वाट का। जी इसी तरह से आपने शोर का जो एक आम बंदा एक डायरेक्ट फैन चलाना चाहता है जी ये शोर का 17,000 का है ये पैनल। जी जी सही। उसके अलावा पी टाइप में भी कुछ लोगों की डिमांड होती है कि पी टाइप में सोलर पैनल जिसमें आजकल लॉन्जी हाइमो 6 बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड होती है कि लॉन्जी हाइमो हाँ जी 6 उसकी प्राइस ब्रैकेट के हवाले से भी गाइड कर दें। पी टाइप इस टाइम जितने भी मार्केट में आप पैनल देख रहे हैं ना तो वो तकरीबन आपको 40 रुपए से लेके ठीक है फोर तकरीबन 43 रुपए पर वाट के कोस्ट करेंगे। मार्केट में जितने भी पी टाइप पैनल है चाहे वो अपना जे है चाहे वो कैनेडियन है चाहे वो लॉन्जी है चाहे वो जो भी ब्रांड आप उठा लें तकरीबन उसकी प्राइस ब्रैकेट यही इस टाइम चल रही है। 43 से 44 रुपए। हाँ जी ये अपना नहीं 40 से 43 रुपए के दरमियान ये लाहौर की मार्केट का रेट है रिटेल का। अगर कोई प्यारा भाई होलसेल में जाता है तो हो सकता है उसके उसे को 50 पैसे या फिर अपना 1 रुपया सस्ता मिल जाए, मगर वो होलसेल पे बड़ी क्वांटिटी ही है। सही। मीन टू से के पी टाइप का जो पैनल है वो तकरीबन 24,000 की रेंज हाँ तक वो तकरीबन कॉस्ट। 24,000 रुपये की रेंज फिगर पोस्ट करता, मे बी उससे भी लेस 23,000 रुपये के राउंड फिगर में। सही। अच्छा अजीज भाई, स्टैंड के हवाले से भी गाइड कर दें। स्टैंड के जो L3 जो फुल गेज में होता है, L2, इन दोनों स्टैंड के हवाले से भी जरा प्राइस डिटेल के हवाले से गाइड कर दें। हमारे पास L2 और L3 में बड़ी वाइड रेंज अवेलेबल होती है। हम फुल गेज के अंदर यानी कि 14 गेज के अंदर काम करते हैं। 14 गेज के अंदर हमारे पास जो स्टैंड अवेलेबल होते हैं उसके अंदर हमारे पास L1 L2 L3 अवेलेबल होते हैं, यानी कि L1 सिंगल प्लेट वाला, L2 डबल प्लेट और L3 थ्री प्लेट वाला स्टैंड होता है। L1 की बात की जाए तो वो आपको 2,000 रुपये कोस्ट करेगा, L2 की बात की जाए तो वो 4,300 कोस्ट करेगा और L3 जो है वो आपको 8,000 रुपये कोस्ट करता है। सही। अच्छा अजीज भाई, मेरा कोई व्यूवर शॉप का विजिट करना चाहता है, तरीका कर क्या है, डिटेल से एड्रेस शॉप बता दें। का तो अगर कोई भैया आपका विजिट करना चाहता है तो इजी बहुत ज्यादा अपना है कि आप गूगल पे जाके अपनी लोकेशन में जाके बस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च कर सकते हैं तो आपको एड्रेस हमारा सारा आ जाएगा। अदरवाइज अगर कोई प्यारा भाई वैसे एड्रेस समझ ना जाए तो लाहौर में स्टेट बैंक की बिल्कुल अपोजिट साइड पे दुबई इस्लामिक बैंक है, उसके बिल्कुल साथ प्लाजा है अजवद जवाद सेंटर, उसके बिल्कुल साथ बेसमेंट है, बेसमेंट में मस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारी शॉप है। आप अगर शॉप पे विजिट करना चाहे शॉप पे विजिट कर लें, अगर कोई भाई ऑनलाइन कुछ चीजें मंगवाना चाहता है तो हम ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। सही। तो नाजरीन, अजीज भाई का नंबर मैं वीडियो में भी लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप इनसे व्हाट्सएप या कॉल पे रब्ता करके कोई भी चीज के हवाले से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो अजीज भाई ने एड्रेस बता दिया। आज के लिए इतने व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।